चाय के बारे में सुना होगा, क्या आपने उनके पानी पूरी बिजनेस के बारे में सुना है? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मोदी जी जैसे अंकल जी हैं जो सर्व कर रहे हैं पानी पूरी, और पिछले 2011 से। हाँ, यहाँ पे आनंद में 2011 से। क्या बात है! और आपको कितने सारे लोगों ने बोले कि आप बिल्कुल मोदी जी जैसे? मुझे बहुत सारे लोगों ने। मैं जब गाड़ी से निकली मैं हैरान, आप लोगों को पता नहीं होगा बट मैंने उन्हें पर्सनली बहुत पास से देखा हुआ है 2016 में एक इवेंट पे, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी अंकल। क्या अगले प्रधानमंत्री फिर आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई राजा नहीं है, तो उसके लिए तो साहब ही काबिल आदमी है। अच्छा, क्या बात है! तो लोग आते होंगे दूर दूर से, आप लोग आपसे मिलने? बहुत दूर से। और मोदी से नहीं मिल सकता, अंकल से मिल लेते हैं। वही बोलते हैं कि साहब के पास तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आपसे मिलके हमको ऐसा लगा कि चलो साहब से मिल लिया, एक सेल्फी हो जाए, फोटो हो जाए। क्या बात है! और मैं आई थी, मैंने देखा लिटरली अंकल के साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। चालू घरा की में भी मुझे हाथ रोक के फोटो खिंचवाना पड़ता है। क्या बात है अंकल जी, बातें करते रहेंगे, लेकिन अंकल की ना पानी पूरी और दही पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी ट्राई करेंगे। तो मेरी आप सबसे पहले आप दही पूरी लगवाइए, और आपकी जो स्पेशल बास्केट चाट है ना वो भी अंकल ने ना शॉप में रखी है पीछे पूरी, और वहाँ पे लोग आते हैं बैठ के मस्त मस्त गोल गप्पे चटकारे लेते हैं उसके। ये बास्केट चाट लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये दही पूरी है। वैसे दोनों सेम आइटम है, अंदर से पूरी का फर्क होता है, टेक्सचर अलग हो जाता है। हाँ, ये अंदर से। तो अंकल जी, मतलब पहले से ही आप ऐसे ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल मोदी जी से जैसा लेके घूमते थे या अभी? इसमें ऐसा हुआ, 2011 में मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ ना विद्यानगर में बच्चों की पढ़ाई के लिए, तब यहाँ के स्टूडेंट लोग मुझे साइड फेस से, मैं पैंट शर्ट ही पहनता था, तो साइड फेस से मुझे कभी कभी धंधे के कारण दाढ़ी बनाने का मौका नहीं मिलता था, तो यहाँ के स्टूडेंट मुझे बोलते थे काका साइड पे से तो आप बिल्कुल मोदी जैसे दिखते हो। अच्छा, थोड़ा लुक चेंज करो। 2014 में जब साहब पीएम बन के ऊपर पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी ख्याति होने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे बोलते तो है ही, चल मैं भी उसका थोड़ा फायदा उठाओ। क्या बात है! और सेम स्माइल भी बिल्कुल उनके जैसी है। तो उसके लिए फिर क्या है कि मैंने थोड़ा गेटअप चेंज करने के लिए उसके जैसा चश्मा बनवाया। अरे वाह! दाढ़ी परमानेंट रखना चालू कर दिया। क्या और बात है! कुर्ते बनवाए। हाँ, बालों का भी सेम वैसा ही हेयर स्टाइल है। हाँ, और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे करते क्या है कि लोग मुझे इसमें ये लुक में ज्यादा पसंद करने लगे। हाँ। तो मुझे भी मजा आने लगा कि घर खा के आते हैं खुश होते हैं, आइटम खा के तो खुश होते हैं लेकिन साथ साथ में लुक देख के भी और खुश होते हैं। देखो, एक बार अंकल के लुक की वजह से आ सकते हैं, लेकिन जो ग्राहक दूसरी बार आएगा ना वो और सिर्फ इनके स्वाद की वजह से आएगा, और यहाँ पे लोगों की भीड़ अक्सर लगी रहती है। दही पूरी है और ये है बास्केट हमारे चाट है। बास्केट और चाट। एक आपको पानी पूरी भी दूं, मेरा पूरी और पानी दोनों अलग स्टाइल का है। अच्छा, दिखाइए। हाँ, ये मेरी पूरी है नाइलॉन, इसमें मैं गेहूं और सोजी का उपयोग ज्यादा करता हूँ। आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, मेरे घर पे ही बनती है मेरे। ये बास्केट चाट की पूरी है। अच्छा, ये सेव पूरी का पूरी। क्या बात है! ये अपना जो चाट मसाला इसमें डालता हूँ वो। हाँ। पानी पूरी का पानी के अंदर जो मसाला गिरता है वो भी कोई कंपनी का नहीं, मेरा खुद का। खुद का। तो आगे की क्या प्लान है फिर? पॉलिटिक्स में कुछ तो स्टेप? पॉलिटिक्स में तो जाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर एक बात अलग है कि साहब ने खुद ने बोला है, साहब आके खुद बोले कि भाई तू बैठ जा, तो बात अलग है, तो साहब का मान रखना जरूरी है। क्या बाकी है? खुद जाने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ मैं। तो आपका मानना है मोदी जी से खुद से मिलने का? पानी पूरी है उसमें मैं जो अंदर मसाला भरता हूँ वो भी मेरा कटिंग वाला होता है। अच्छा, ये सब लोग हाथ से मसल के देते हैं ऐसे नहीं है। ये रनिंग टेस्ट है तीखा खट्टा वाला पानी। और ये एक अलग टेस्ट है मीठा। क्या बात है! पांच आइटम्स हैं यहाँ पे बिल्कुल। अंकल जी, आपका मन है मोदी जी से मिलने का एक बार? अरे बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। अभी एक ही काम बाकी रहा है, बाकी तो मुझे आप लोगों ने बहुत फेमस कर दिया है। जल्दी से इस वीडियो को मोदी जी तक पहुँचा दीजिए और टैग कर दीजिए उस दोस्त को जो मोदी का बहुत बड़ा फैन है, एंड जल्दी से अब ये करते हैं ट्राई। मोदी साहब को मिलने की इच्छा मेरी तो बहुत समय से है। 2014 में जब यहाँ पे शास्त्री मैदान के अंदर वो सभा करने के लिए आए थे भाषण देने को। हाँ। तो मैं ऐसे ही गेटअप में पहुंचा था वहाँ पे। क्या बात है! कंप्लीट गेटअप था मेरा, साहब के जैसा ही मैंने उसके जैसा ही ड्रेस किया था और कलर भी वैसा ही चॉइस किया था। कंफ्यूज तो नहीं हो गया बॉडीगार्ड?
तो एकदम तैयार होके मैं गया और तभी साहब ऊपर से आ रहे थे मेहसाणा होके। हाँ। तो उसको वहाँ से आने में एक घंटे की देर लग गई। 11 बजे का टाइम था मगर वहाँ से मैसेज आया कि साहब एक घंटा लेट आएंगे। हाँ। और मैं 11:15 बजे पहुँच गया सभा के जगह पे। हाँ। मैं बाहर से आ रहा था तो लोग बाहर से चिल्लाने लगे, मोदी साहब आ गए, मोदी साहब आ गए। और आसपास के इलाके से जो युवा पीढ़ी आती है, अपने यंग ब्लड, वो लोग उठ खड़े हुए कुर्सी पे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो पुलिस वालों ने आके मुझे बोला, भाई साहब आप एक साइड में बैठिए, साहब को आने को एक घंटे की देर है। ऐसा करके उसने अपने पुलिस कैम्प था उसके अंदर बिठा दिया। साहब भाषण करके चले गए तब तक मुझे वहीं बिठा दिया। 2014 में भी ऐसा ही हुआ और 19 में तो पुलिस वालों ने मुझे अंदर एंट्री नहीं होने दिया, बाहर से ही बिठा दिया, भाई अंदर मत जाओ तुम। तो अभी आने वाले वक्त में ना पक्का मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अंकल के पास आएंगे, उनकी पानी पूरी ट्राई करने। वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, जल्दी से ट्राई करते हैं खट्टे मीठे चटपटे। और यहाँ पे मैंने देखा आनंद में ना, मतलब जैसे दिल्ली में आपको मोमोज की स्टॉल दिखेंगे यार, यहाँ पे इतने फैन है लोग गोलगप्पे के, पानी पूरी के, हर 10 कदम पे आपको ऐसे पानी पूरी का स्टॉल मिलता है। ऑर्डर बाकी ये जो पूरियाँ होती है ना दही वाली, इनको ना ऑटोमेट मतलब ऑन द स्पॉट खाना चाहिए, इनको इंतजार कराना इनकी वो कहते हैं ना बेइज्जती करने वाली बात हो जाती। ये वाले ना गोलगप्पों का जो बाहर का टेक्सचर है पूरियों का, ये मैंने अजमेर में खाए थे और वो मेरे फेवरेट थे तीर्थ नाम के अजमेर में। उसके बाद मुझे ऐसा टेक्सचर मिला है तो वो यहाँ मिला है, बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में जाते हैं सो यू जस्ट हैव टू हल्का सा प्रेस और मुंह में जाते ही खुल जाएगा। कभी भी गुजरात आए हो, आनंद से निकल रहे हो तो अंकल जी की शॉप है, मोदी जी की शॉप है, तुलसी पानी पूरी के नाम से, विद्यानगर में मोटा बाजार में। आप किसी से भी पूछेंगे आपको बता देंगे, निर्मल निकेतन स्कूल के सामने प्यारी सी शॉप मिल जाएगी, मोदी जी मिल जाएंगे और उनके देसी देसी गोलगप्पे मिल जाएंगे, वो ज़रूर ट्राई करके जाना। अभी मैं करती हूँ एक पानी वाला ट्राई। एंटरटेनमेंट की बात हो 10 out of 10, स्वाद की बात हो 10 out of 10, हाइजीन की बात हो 10 out of 10, बहुत ही अमेजिंग स्वाद है पानी का, मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ के, वर्थ है। अंकल जी टाइमिंग की बात करें तो कब से कब तक रहते हैं? 4 बजे से 10 बजे तक। किसी दिन छुट्टी नहीं? अचानक से कोई ऐसा हुआ तो मैंने रजा रख दी, कुछ कामकाज के हिसाब से बाहर गया तो। देखो वैसे तो कोई छुट्टी नहीं होती पर सुख दुख में लेनी पड़ जाती है। मैं करती हूँ ये सब एंजॉय, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग आए हैं गुजरात में, बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है अलग अलग शहरों की, जल्दी से अपना शहर कमेंट सेक्शन में बता दो सो देट हम आपके शहर में आएँ और आपके शहर का यूनिक स्ट्रीट फूड दुनिया तक पहुँचाएँ। यार गोलगप्पे खा के सच में मज़ा आ गया मुझे।